जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में बताएंगे आपको कि बांस का धनुष किस तरह से बनाया जाता है। खास बातें जो हमारे धनुर्वेद में उसके बारे में बताया गया कि इस तरह से बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा बन पाएगा। ऐसे धनुर्वेद में तो काफ़ी तरह के लकड़ियों का नाम दिया हुआ है जिससे धनुष बनाते हैं, लेकिन उसमें सबसे खास बाँस के बारे में बताया गया है। ये काफ़ी ही इधर से इस तरह से बांस को नहीं काटना चाहिए, ये नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, तो इस तरह से इसका डंटल निकला हुआ है, इसका टहनियाँ है, तो इसको उल्टा तरफ से काटना चाहिए, इस तरफ से। तो इसको हम उलट लेते हैं, ये लाठी बांस है, इसमें बीच में खोखला नहीं होता। ये धनुष मारने टाइम में गांठों का खास ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है, ये धनुर्वेद में इसको पर्व कहा गया है, गांठ जो बांस का गांठ है हमारा, वो ये गांठ जो यहाँ पर है इसको पर्व 1, 2, 3 का बना सकते हैं, नहीं तो फिर 5 का, 7 का या फिर 9 का, जो भी रहेगा वो विषम संख्या में ही रहेगा। सा 50% तो तैयार हो गया है, बीच में पकड़ने के लिए छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा और ध्यान देने लायक है। इसको इस तरह से मोड़ करके देखेंगे, ये दोनों भाग बराबर मुड़ना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे तो मनचाहा बांस नहीं मिला, लेकिन जंगल में जो मिला उसी से बना करके बता रहे हैं आपको। तो वो बांस वाला तो स्ट्रिंग बन नहीं पाया, क्योंकि उस तरह का बांस यहाँ पर मिल नहीं पाया था, मोटा वाला बांस से हो पाता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ये स्ट्रिंग लेकर के आए थे घर से, ये स्ट्रिंग मिल जाता है बाज़ार में, काफ़ी सस्ता ही मिल पाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि स्ट्रिंग किस चीज़ का बोका बनाते हैं, तो धनुष का स्ट्रिंग इससे बहुत बढ़िया बनता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होता है और काफ़ी मजबूत है। एक धागा पे 20 किलो वेट आप उठा सकते हैं, और ये सिर्फ मात्र 30 रुपये का पूरा एक लच्छा मिल जाता है। तो नज़दीक से देख लीजिए आप, ये धागा है, इसी से भी हम अपना स्ट्रिंग बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जंगल में साधन हम लेकर के आए नहीं थे, तो इसी से स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग बनाने का एक साधारण सा तरीका है, अपना जो बो होता है उससे ये जो घाट बना है स्ट्रिंग लगाने के लिए, यहाँ से जो ये गांठ बना हुआ है, घाट जिसमें स्ट्रिंग फंसाएंगे हम लोग, तो यहाँ से लगभग 2.5 इंची कम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा उससे 2.5 इंची स्ट्रिंग कम होगा। यहाँ पर गांठ मारते हैं, ये धागा आपको जहाँ पर मछली का कारोबार होता है, जो हमारे भाई मछली पकड़ते हैं वो इस धागा को इस्तेमाल करते हैं जाल बुनने में, तो आप उनसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ये वाला धागा मिलेगा। एक तरफ धागा तो फिक्स कर देना चाहिए, एक तरफ इस तरह से बनाना चाहिए कि जब धनुष का काम हो तो फिर वापस उसको निकाल लें, इस तरीके से निकाल लेना चाहिए। जब इस्तेमाल करना हो तो उसको लगाइए, जब इस्तेमाल ना करना हो तो धनुष से धागा स्ट्रिंग जो है इसको हटा लेना चाहिए, प्रत्यंचा अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से लगा हुआ छोड़ देंगे तो धनुष बिल्कुल इसी शेप में मुड़ा हुआ रह जाएगा, फिर उसका पावर ख़त्म हो जाएगा, फेंकने का ताकत है वो घट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब इस्तेमाल हो धनुष का इस्तेमाल करें, और जब इस्तेमाल ना करना हो तो धागा को उतार लें। और धनुष में धागा लगाने का एक और तरीका है, यहाँ से लेंगे इस तरीका से, ये अपने बायां पैर को आया करेंगे, दाहिना पैर में फंसा लेंगे, यहाँ से ये मेरा धागा है, और यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से फंसा लेंगे। ये तो धनुष हमारा तैयार हो गया है जंगल में, अब बारी है तीर का। तो औजार के नाम पर तो बस यही एक लाए थे, ज़्यादा साधन है नहीं जंगल में, लेकिन जंगल में तो अब कुछ है नहीं, इसी को चला करके देखते हैं कैसा चलता है, और ये कैसा चलता है।
अब देखते हैं ऊंचाई में कितना जाता है।